हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो चलिए इस गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ बढ़ते हैं देश की सारी बड़ी खबरों की ओर। दोस्तों, देश में फिलहाल बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही है। कोरोना वायरस तो सबसे ज्यादा टॉक पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना की वैक्सीन चाहिए और जल्द से जल्द इसके ट्रायल्स भी कंप्लीट किए जा रहे हैं, लेकिन पूरी सिक्योरिटी के साथ। लेकिन इस बीच में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन उसके ट्रायल को रोक दिया गया। इसके साथ ही कोरोना महामारी की वजह से देश के हाल और भी बेहाल हो चले हैं। अनलॉक 4 के बीच स्कूल को 21 सितंबर से खोलने की बातें हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक चीज को लेकर एनालिसिस कर रहे हैं और कई बड़े ऐलान और फैसले ले रहे हैं, जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की मुख्य सुर्खियों के बारे में, जहां आपको बताने जा रहे हैं देश में कोरोना के हालचाल, कि आखिर कितने पेशेंट्स हैं, कितने लोग रिकवर हो गए हैं और कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। पेंगोंग फिंगर 4 पर बड़ा तनाव, चीनी जमावड़े के बाद भारत ने सैनिक बढ़ाए, बोफोर्स तैनात। इन 26 कंपनियों को प्राइवेट हाथों में सौंपने की तैयारी में मोदी सरकार। भारत पेट्रोलियम से पवन हंस तक, देखे पूरी लिस्ट। कल से चलेगी शताब्दी, हम सफर और एसी सुपर फास्ट सहित कई ट्रेनें तत्काल टिकट बुकिंग शुरू। खुशखबरी, 3 सरकारी बैंकों ने दिया ग्राहकों को बड़ा तोहफा, जाने क्या है खास। बैंक कर्जदारों को मिल सकती है बड़ी राहत, सरकार ने बनाई एक्सपर्ट कमेटी। पोस्ट ऑफिस खाते को आधार कार्ड से कराए लिंक, मिलेगा सरकारी सब्सिडी का लाभ। जी हाँ दोस्तों, ऐसे और भी कई बड़ी खबरें और अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ें और खबरों का सिलसिला शुरू हो, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है और आप हमारी मेहनत की कदर करते हैं, हमें प्यार भी करते हैं, और उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और आपके इसी प्यार और आपके इसी सपोर्ट की वजह से हम दिन प्रतिदिन और बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं, इसलिए आपके हम इस प्यार और सपोर्ट के आभारी हैं। इसलिए आप अपना सपोर्ट हमारे साथ लगातार बनाए रखें और इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही है जो आपके प्यार और सपोर्ट को दर्शाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं खबरों की ओर, एक एक करके जान लेते हैं सारी बड़ी खबरें। कोरोना महामारी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। दुनिया में करीब 3 करोड़ लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। रात की बात तो ये है कि इनमें से 2,83,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में दुनिया में 3,00,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 5,927 लोगों की जान चली गई। वर्डोमीटर के अनुसार दुनिया भर में अब तक 2,83,15,289 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 9,13,227 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और वही 2,32,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। पूरी दुनिया में 70,00,000 से ज्यादा एक्टिव केस है, यानी फिलहाल 70,74,000 से ज्यादा लोगों का अस्पताल में इलाज हो रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुक्रवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। पीएमओ ने एक बयान में कहा, शिक्षा मंत्रालय 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जो गुरुवार से शिक्षा के पर्व के एक रूप में शुरू हुआ। उन्होंने कहा, हमारे देश भर में हर क्षेत्र की अपनी कुछ न कुछ खूबी है, कोई न कोई पारंपरिक कला कारीगरी प्रोडक्ट हर जगह के मशहूर है। हमें आसान और नए नए तौर तरीकों को बढ़ाना होगा। हमारे ये प्रयोग न्यू एज लर्निंग का मूल मंत्र होना चाहिए। Engage, Explore, Experience, Express और Excel। PMO ने कहा कि विभिन्न वेबिनार, NEP के कई पहलुओं पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस और कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से लेकर एयर इंडिया तक के निजीकरण को लेकर अक्सर ही खबरें आती रही हैं। लेकिन एक RTI के जवाब में पता चला है कि सरकार कुल 26 कंपनियों के निजीकरण की तैयारी में है। इन कंपनियों में पवन हंस लिमिटेड से लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तक शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी पिछले दिनों 23 PSU के निजीकरण का ऐलान किया, लेकिन RTI में 26 कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन का खुलासा हुआ है। सरकार जिन कंपनियों का निजीकरण करने जा रहा है, उनमें एयर इंडिया, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड, पवन हंस, B&R, इंडियन मेडिसिन एंड फार्मास्टिक्स, फेरोस्क्रैप निगम लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल हैं।
मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक हुई। एक तरफ चीन भारत से बातचीत कर रहा है, दूसरी ओर उसकी सेना पेंगोंग इलाके में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। LAC पर चीन की गुस्ताखियों को देखते हुए भारतीय सेना ने अब 155 मिलीमीटर की होवित्ज़र तोप तैनात करनी शुरू कर दी है। बोफोर्स तोप तैनात करना भारतीय सेना का बड़ा कदम है। यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब चीन घुसपैठ की अपनी कोशिशों से बाज नहीं आ रहा। LAC पर इन दोनों करीब 40,000 जवान तैनात है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद को लेकर वो ज्यादा मुखर हैं। शुक्रवार को एक बार फिर से उन्होंने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने पूछा कि आखिर कब सरकार चीन से अपनी जमीन वापस लेने की योजना बना रही है। गांधी ने कहा, चीनियों ने हमारी जमीन ले ली है, आखिर कब भारत सरकार इसे वापस पाने की योजना बना रही है, या ये भी एक भगवान का अधिनियम एक्ट ऑफ गॉड बनने वाला है। कोरोना संकट के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक कर्जदारकों को राहत देते हुए मॉरिटोरियम सुविधा शुरू की है। इसके तहत ग्राहकों को 31 अगस्त तक EMI चुकाने से राहत दे दी गई है। अब ये सुविधा खत्म हो चुकी है। मॉरिटोरियम सुविधा खत्म होने के बाद लोगों के पास बैंकों से EMI चुकाने के लिए मैसेज, फोन कॉल्स और ईमेल्स आने शुरू हो गए हैं। इसलिए सरकार ने कर्जदारों को ब्याज से राहत, ब्याज से राहत सहित अन्य कई मुद्दों पर पूर्ण रूप से आकलन करने के लिए पूर्व कैग राजीव महर्षि की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की विशेष समिति का गठन किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की COVID-19 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान एक वॉलेंटियर की तबीयत खराब होने की जांच एक्सपर्ट के एक ग्रुप ने शुरू कर दी है। भले ही इस घटनाक्रम ने वैक्सीन की स्पीड को धीमा कर दिया हो, वैज्ञानिक इसे अच्छा मान रहे हैं। हालांकि WHO ने कहा है कि इस घटना से हताश या निराश होने की जरूरत नहीं, वैक्सीन के ट्रायल्स में ऐसा होता है। इसी बीच एस्ट्राजेनेका ने दावा किया है कि इसी साल में कोरोना की वैक्सीन बाजार में आनी शुरू हो जाएगी। रुकिए जरा, वीडियो खत्म नहीं हुई है, खबरें अभी भी बची हुई हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो अगर बीच में छोड़ा तो बहुत बड़ी बड़ी खबरें मिस हो जाएंगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में इन दिनों उमस भरी गर्मी के साथ बारिश भी हो रही है, लेकिन इस हफ्ते किसी भी राज्य में मूसलाधार बारिश दर्ज नहीं हुई। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग कुछ राज्यों में बारिश की संभावना जता रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्व गुजरात, विदर्भ, तेलंगाना, रायलसीमा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार इन राज्यों में हल्की मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों जैसे अमेठी, रायबरेली, मिर्जापुर जैसे कई जगहों पर बारिश हो सकती है। साथ ही अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ उत्तराखंड और उत्तर पश्चिम भारत में हल्की बारिश का अनुमान है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। आज शुक्रवार को सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया। दिल्ली में आज 12 सितंबर को पेट्रोल डीजल दोनों के दाम स्थिर। पेट्रोल 81.99 रुपए और डीजल 73.05 रुपए। मुंबई में पेट्रोल 88.64 रुपए, डीजल 79.57 रुपए। कोलकाता में पेट्रोल 83.49 रुपए, डीजल 76.55 रुपए। चेन्नई में पेट्रोल 84.96 रुपए और डीजल 78.38 रुपए प्रति लीटर के भाव से बिक रहा है। चलिए गौर करते हैं अब अगली खबर पर। इंडियन रेलवे ने 80 ट्रेन नई चलाई हैं और उनके लिए टिकट की बुकिंग गुरुवार यानी कि 10 सितंबर 2020 से शुरू कर दी है। इन नई ट्रेन में शताब्दी, हम सफर और AC सुपर फास्ट समेत कई पैसेंजर ट्रेन शामिल हैं। इन ट्रेन के लिए तत्काल टिकट की बुकिंग भी शुरू हो गई है। अगर आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और अभी तक टिकट नहीं ले पाए हैं तो इन नई 80 पैसेंजर ट्रेन में तत्काल टिकट बुक करवा सकते हैं। आप रेलवे स्टेशन के PRS काउंटर या IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट और ऐप से तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। कंगना रनौत और शिवसेना के बीच तनातनी का माहौल बना हुआ है। वहीं कंगना रनौत की मां आशा रनौत बेटी के सपोर्ट में हैं। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने मेरी बेटी के साथ अन्याय किया, पूरे भारत वर्ष की जनता इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। आशा रनौत ने कहा, अगर कंगना गलत होती तो देश की जनता उसके साथ नहीं होती। कैसी सरकार है, मेरी बेटी उसकी प्रजा का एक अंग है, उसके साथ इतना अन्याय हुआ है, ये कैसी सरकार है, इसको सरकार बोलते हैं? ये बाल ठाकरे की शिवसेना है ही नहीं, ये वो बाल ठाकरे की शिवसेना नहीं है जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये शिवसेना डरपोक है, कायर है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर।
सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स केस में मुंबई की सेशंस कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। सभी छह आरोपियों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। सभी छह आरोपियों में रिया, शौविक, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, जैद, बासित परिहार शामिल है। इससे पहले रिया ने जब बेल की अर्जी दी थी तब भी कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। आज जेल में रिया का तीसरा दिन है। रिया को 2 दिन हो चुके हैं जेल में। जिस दिन कोर्ट ने फैसला सुनाया था उस दिन रिया ने एनसीपी के लॉकअप में अपनी रात गुजारी। इसके बाद अगले दिन रिया को भाईखला जेल में शिफ्ट कर दिया। सहकारी बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपने ग्राहकों को तोहफा दिया है। बैंक की नई दरें आज से लागू हो रही हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने प्रमुख लोन ब्याज दर में 0.05% की कटौती की। नई दरें शुक्रवार से आज लागू हो गई है। एक और सरकारी बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी MCLR में 0.10% की कटौती की है। बैंक ने एक साल की अवधि वाले लोन पर ब्याज दर 7.65% से घटाकर 7.55% कर दिया है। ये दरें बृहस्पतिवार से लागू हो गई। यूको बैंक ने MCLR में ब्याज दरें 0.05% कर दी। ये कटौती अन्य सभी अवधि के लोन पर भी समान रूप से रहेगी। सरकार ने गुरुवार को लॉकडाउन के दौरान बैंक कर्ज की किश्त चुकाने पर दी गई छूट अवधि में कर्जदारों को ब्याज से राहत, ब्याज पर ब्याज से राहत सहित अन्य मुद्दों पर समग्र रूप से आकलन करने के लिए पूर्व कैट राजीव महर्षि की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की विशेष कमेटी का गठन किया। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में ये जानकारी देते हुए कहा गया है कि कमेटी 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट दे देगी। स्टेट बैंक कमेटी को सचिवालय सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। कमेटी इस बारे में बैंकों और अन्य संबद्ध पक्षों से भी विचार विमर्श कर सकेगी। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। अगर आपका बचत खाता बैंक की जगह पोस्ट ऑफिस में है तो आपको भी सरकारी सब्सिडी का फायदा मिल सकता है। इसके लिए आपको सिर्फ आधार कार्ड को अपने पोस्ट ऑफिस बचत खाते से लिंक कराना होगा। इसके बाद आप सब्सिडी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सुविधा में अपने खाते में ले सकते हैं। पोस्ट ऑफिस विभाग ने सर्कुलर में कहा है कि सेविंग्स अकाउंट में DBT के बेनिफिट हासिल करने के लिए खाते को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी है। आधार कार्ड को लिंक कराने के लिए एप्लीकेशन परचेज ऑफ सर्टिफिकेट फॉर्म में एक कॉलम में शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार पेंशन, LPG सब्सिडी जैसे सरकारी सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए आधार नंबर जरूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप तक खबरें लगातार पहुंचाते रहेंगे क्योंकि खबरों का सिलसिला हमारे चैनल पर नहीं थमने वाला। तो चलिए अगर आप चाहते हैं कि ये खबरें लगातार आप तक पहुंचती रहे तो आप जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर आपको वहां पर नजर आएगा एक बेल आइकन, उसे भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप तक सारी खबरें लगातार पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, मेक श्योर कि आपने वीडियो पूरा देखा है तो आप हर एक खबर के बारे में अपने विचार बताइएगा और साथ ही आप अपना नाम भी मेंशन जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।